मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर थर्ड फोर्थ ऑफ क्लास सिक्स सब्जेक्ट फिजिक्स. नाउ कम टू द चैप्टर टॉपिक ऑफ चैप्टर फोर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ फोर्थ. बिफोर द मीनिंग ऑफ फोर्थ यू टेक एन एग्जाम्पल. बाय एंड टेक एन एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दैट वट इज फोर्थ. टू ओपन द डोर. In opening a door, we do the push or simply pull. What is a push? Push means outwards force applied. That means outward means बाहर की तरफ force applied करना. Pull means inwards force applied. Inward means अंदर की तरफ force applied करना. So when we open a door, we applied a force either a inward direction या outward direction. That inward direction for force and outward direction force is called push or pull. In simple language, we say that push or pull is called force. Now you can see this example of push or pull in your book easily. You can see the boy in the first figure. You see that the boy tried to apply force outward direction. That is called push. मतलब बच्चा देखिए box को हिलाने की कोशिश कर रहा है बाहर की तरफ force लगा के. है अब देखिए पुल में क्या होता है वो तो खींच रहा है इस बॉक्स को इस तरह से करके वो तक अच्छे तरह से खींच सके बाहर की तरफ फोर्स लगा के. इसमें क्या हो रहा है आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है. सिंपल लैंग्वेज में आप सिंपल समझिए किसी भी चीज को खींचना पुश करना या पुल करना आपका फोर्स कहलाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स इफेक्ट मीन्स द एप्लीकेशन. इफेक्ट मीन्स मतलब आपका डेली लाइफ में क्या यूज है फोर्स का. हाउ फोर्स इज एप्लीकेबल या यूजफुल इन डेली लाइफ. इफेक्ट मीन्स प्रभाव. फोर्स का क्यों यूज. वाई वी लर्न द फोर्स. हाउ वी कैन यूज अ फोर्स इन डेली लाइफ. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव या स्टॉप. मतलब फोर्स आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप या मूव कर सकता है. सिंपली आपने यू कैन सी दैट एग्जाम्पल ये यहाँ एक कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन. यू कैन सी दिस. मतलब एक मैन कार को खींच रहा है बस धक्का मार रहा है. धक्का मारने से क्या होगा या तो क्या होगा वो आपकी जो आपकी कार होगी आगे बढ़ जाएगी. लेकिन आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो तो क्या होती है स्टॉप हो जाती है. दैट मीन्स When force applied to an object at rest, it begin to move. And when you apply force to a moving object, it means it after some time the body stop. Now come to the next point. Change the speed of moving object. मतलब किसी भी चलती हुई body की speed को change कर देती है. इसका best example है जैसे आपकी ball है moving हो रही है उसमें क्या होता है अगर उसे आप हिट करते हो तो आपकी स्पीडली और मूव हो जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो गई बढ़ गई. दैट मीन्स फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को तेज करती है. इसका बेस्ट एग्जांपल एक और है स्विंग. स्विंग मीन्स झूला. झूला आप जब झूलते हो उसको आप आगे तरफ डालते हो मतलब सेम डायरेक्शन में डालते हो तो झूला क्या होता है और तेजी से फास्ट हो जाता है. Now come to next. Change the direction of moving object. मतलब moving object क्या moving object की जो direction को change भी आपका force easily कर देता है. इसका best example है जैसे आपने देखा होगा जब हम cricket खेलते हैं तो batsman क्या करता है ball को hit करता है. अब जब ball आती है वो simply आपकी तरफ आती है. लेकिन जब ball को hit करता है तो जो बॉल तो मूविंग स्टेज में होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है चेंज हो जाती है. ओके छक्का चौका होता है ना वो हो जाता है ना. सीधा जब हम फुटबॉल खेलते हैं बच्चे फुटबॉल खेलते हैं आप लोग बॉल को किक करते हैं किससे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में तो वो आप क्या करता है फोर्स. विद द हेल्प ऑफ फोर्स यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट डैश. फोर्स चेंज द शेप या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब आपको फोर्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को आप लोग चेंज कर सकते हो. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपने देखा होगा सुबह सुबह आप टूथपेस्ट करते हो टूथपेस्ट पे आप फोर्स लगाते हो पिचक जाता थोड़ा सा पिचक गया तो मतलब क्या चेंज हो गया उसका शेप चेंज हो जाती है. अब अगर मान लीजिए आप उसे आपने देखा होगा आप
आपके पास एक बॉल है, जिस रबड़ की बॉल होती है, आप उसे दबाते हो, फोर्स लगाते हो, पिचकती है, फिर फूल जाती है. तो दैट मीन्स फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ फोर्स. दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. फर्स्ट इज मेक एन ऑब्जेक्ट मूव और स्टॉप. सेकेंड, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. और नेक्स्ट वन इज लास्ट, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. Now come to a next topic of your favorite, contact force. Now what is the meaning of contact? Contact means किसी के touch होना. So that means we come to definition of contact force. When two object are in contact, in that situation the force applied is called contact force. Simply जब कोई दो body contact में आती है, वहां पर जो force applied होता है वो क्या कहलाता है आपका? Contact force कहलाता है. The best example is given there. First is muscular force. Muscular force means muscles के द्वारा help से जो force applied होता है दो body contact में is called muscular force. Come to definition of muscular force. Force applied with the help of muscles of living organism is known as muscular force. The best example of muscular force is walking. Walking, taking, eating, मतलब जैसे मसल्स की हेल्प से चलते हो, आपके पैर जमीन पर चले हैं तो आपका जो फ्लोर है वो वन बॉडी हो गई, और दूसरा क्या है आपका लेग, वो सेकेंड बॉडी हो गई. उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है, वो टच में है, तभी तो चल पा रहे हो. एक्सपर्ट हवा में चलते हो, चलते तो आप इसी की हेल्प से हो. अब खाना खाते हो आप लोग, एक तो चीज आपके मसल्स है, आप उसे फ्लोर से उठाते हो फिर मुंह में डालते हो, तो मतलब दो बॉडी का कॉन्टेक्ट रहता है. कॉन्टेक्ट मीन्स टच रहता है, वो किसी भी कंडीशन में हमेशा टच रहते हैं. नाउ कम टू सेकेंड एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अपोज द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी. मतलब किसी भी मूविंग बॉडी का मोशन को अपोज करना, मतलब कोई चलती हुई बॉडी अचानक रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? अपने आप कैसे रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. आप ध्यान रखिए, जब कोई बॉल होती है ऊपर से रोल होके आती है, एक टाइम ऐसा आएगा, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जहां पे बॉल ऑटोमेटिक रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. और आपका देखिए यहाँ पे दो बॉडी, आपकी बॉल और आपका फ्लोर, दोनों कॉन्टेक्ट में है, मतलब टच में है, तभी वो रुकती है. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी. नाउ कम टू अ मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अ एनी ऑब्जेक्ट विच इन कॉन्टेक्ट बाय विद द हेल्प ऑफ मशीन. मतलब मशीन की हेल्प से जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में है, वहां जो फोर्स अप्लाइड होता है वो आपका कॉन्टेक्ट, आपका मैकेनिकल फोर्स कहलाता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, दिखाऊ, आप किसी भी क्रेन की हेल्प से आपको कार उठाई जाती है, तो फोर्स अप्लाइड किया, मतलब मशीन की हेल्प से कोई फोर्स जा रहा है दो बॉडी, लेकिन शर्त है आपकी दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए. मतलब आप ट्रेन का जो हैंडल होता है वो कार के पीछे लगा होता है, तभी टच होता है. ऐसे थोड़ी सी हवा में से उठाया और शुरू हो गया, मतलब जब दो बॉडी आपकी कॉन्टेक्ट में रहती है तभी वो उसका अप्लाई एप्लीकेशन हो पाता है. इन दिस टॉपिक वी हैव अंडरस्टैंड कॉन्टेक्ट फोर्स. एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स आर मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन. Before we start friction, I am explaining the frictional force. The same thing is that friction. जो चीज मैंने frictional force में आपको बताई थी, same चीज है आपकी friction. वही चीज अगर आप देखा, आपने सबसे best example किया था, the ball roll to a some distance. After traveling a some distance, it stop itself. मतलब जब आपकी ball कुछ समय के बाद distance पे जाके खुद ही रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? Just because of friction. फ्रिक्शन को सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, आप लोग को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो डाउन करना, दैट मीन्स स्लो डाउन द मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. किसी भी ऐसे आप देखिए, चलते चलते आप लोग कभी कभार क्या होता है, आपकी बॉल रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? वो किसकी हो सकती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. आपने कभी कभार देखा होगा आप लोग चलते हो फ्लोर पे, आपके जूते फटा एकदम से रुक जाते हैं, चिपक जाते हैं. क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. फ्रिक्शनल होता है, फ्रिक्शन होता है. इसीलिए आप देखिए, अगर आपके एग्जांपल्स देखने हो, आप यू कैन सी दिस एग्जांपल इन योर बुक. आप में लड़की दिख रही है, अब लड़की क्या कर रही है? बॉक्स को धक्का मार रही है.
धक्का मार रही है, लेकिन उसके धक्का मारने जोर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका जो फ्लोर है वो भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहा है, वो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट्स व्हाई उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन टू सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ डेड बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब जब कोई दो बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है और उसकी वजह से वो उसके मोशन को अपोज करती है, मतलब वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगी, वो आपके उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब नाउ वी सी दैट द फैक्टर अफेक्ट्स द फ्रिक्शन। मतलब अब हाउ फ्रिक्शन इज यूजफुल इन डेली लाइफ, मतलब हाउ फ्रिक्शन इज इफेक्टिव इन डेली लाइफ। फ्रिक्शन है हाउ, मतलब आपका फ्रिक्शन किस तरह से हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है और क्या यूज है आपका फ्रिक्शन के डेली लाइफ में, हम क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, फिजिक्स में फ्रिक्शन को। पहला है नेचर ऑफ सरफेस विद ईच अदर। जैसे कि मतलब बताते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप में के आपके पास मान लीजिए कार है, आप कार को किसी स्मूथ रोड पे ले जाओ तो आपका फ्रिक्शन इतना कम होता है कि फटाफट से आपका कार फास्ट स्पीड से ले जाती है। अब मान लीजिए वही सेम कार आप रफ रोड पे ले गए, बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं, आप लोग ब्रेक लगा के चलते हैं, क्यों होता है? वहां पे जो सरफेस है वहां नेचर है, नेचर क्या रोड था वहां स्मूथ थी, यहाँ रफ है। तो नाउ टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। देख सकते हैं आप, आपका एक मार्बल है, मार्बल पे आपको उसी सेम मार्बल को आपका प्लेन सरफेस है, मतलब रेगुलर सरफेस है, उस पर अप्लाई करोगे तो आपका मार्बल इजिली मूव। नाउ कम टू सेकंड फिगर, सेम मार्बल को अगर वो मार्बल किस पे रोड पे, रफ रोड पे है तो वो धीरे 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 तो क्या होगा, वहां पे आपका फ्रिक्शन ज्यादा है। इन फिगर टू में जहां पे सरफेस आपका कम है वहां फ्रिक्शन ज्यादा है, दैट्स वाई वो बॉडी आपकी मूव नहीं कर पा रही है। और फर्स्ट फिगर में देखिए वहां फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आपका क्या हो रहा है, आपकी बॉडी इजिली मूव कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे आपकी चप्पल बहुत ज्यादा स्लीपी हो जाती है। स्लीपी क्यों हो जाती है? क्योंकि सोल के नीचे जो पैटर्न बना होता है वो घिस जाता है और घिसने की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, हम इजिली फिसल भी जाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने पोएम भी सुनी होगी, केला खाते हैं, केले के ऊपर जब चलते हैं तो फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? बिकॉज आपका केले का सरफेस तो बहुत चिकना होता है और चप्पल के फूट से कॉन्टेक्ट में आते हो, इजिली फिसल के निकल जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, वेट ऑफ बॉडी। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ बॉडी। जैसे मान लीजिए आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिया, अगर आपको उसे खिसकाना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत जोर लगना पड़ेगा, बहुत फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब हैवी चीज को हम खींचेंगे, धक्का मारेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे, उसे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। इसे मान लीजिए आप ऐसे देखिए एग्जाम्पल को, आप लोग जाते हो किसी मॉल वगैरह में, आपको ये ट्रॉली प्रोवाइड की जाती है, अगर ट्रॉली में आपका कम सामान है तो आपको स्मूथली निकल जाते हो इजिली। क्यों? आपका फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे, आपका फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही कम है, इसीलिए फ्रिक्शन की हेल्प से वो इजिली निकल गया। नेक्स्ट में देखिए, आपने ट्रॉली फुल भर ली, आपने सारा पैसा ट्रॉली परचेज कर लिया सारे मॉल से, तो इसमें क्या हुआ, आपकी ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट इतना ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा लगेगा, जहां फ्रिक्शन ज्यादा है इसीलिए वो इजिली मूव नहीं कर पाती। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कितने टाइप की फ्रिक्शन आपके। नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज डायनेमिक फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ कम टू आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट हेडिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट यू मीन बाय स्टैटिक्स? स्टैटिक्स मीन्स मतलब आपको कोई बॉडी स्टॉप हो जाना, वन बॉडी जस्ट स्टैंड्स टू मूव या स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी में सरफेस पे चलती है लेकिन उसमें इतना एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो पाया जितना कि वो होता है, दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज व्हेन वन ऑफ द बॉडी जस्ट स्टैंड टू मूव या स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं क्योंकि कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो पाता है,
जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ब्लॉक है, ब्लॉक आपने पुश किया, वो हल्का सा फोर्स लगाने पे वो हल्का सा आपका हिला, ज़्यादा एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ, वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, वो हल्का हिल के अपनी पोजिशन पे आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, वहाँ पे लिमिटेड ही फ्रिक्शन होता है, इतना कम लिमिट होती है फ्रिक्शन की, वहाँ पे वो सबका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। नाउ कम टू अ सेकंड फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब द बॉडी स्टार्ट रोलिंग स्लोली, द अबव फ्रिक्शन द देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट इन द सेकंड फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे हिलना आपका स्लाइडली वो धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट कर देती है। नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Sliding friction, that friction which is applied to another body and body starts sliding slowly. That's called as dynamic friction. Now, we taken up the same example, wooden blocks है, अगर उसका सरफेस ईजी, आपका सरफेस स्मूथ है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा फोर्स अप्लाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका हिलने लग जाएगी, मतलब धीरे स्टार्ट होने लगेगी और धीरे धीरे से आपका मूव करने लगेगी। जैसे आप झूले पे झूलते हो, आप लोग झूले पे झूलने पे क्या होता है, स्टार्टिंग में धीरे आप झूलते हो, आप पैर खिसक सकते हो तो एकदम से तरीके खिसक पाते हो, आप लोग धीरे से झूलते हो, फिर धीरे स्टार्ट करते हो आप पे स्लाइड होना, फिर एकदम से क्या होता है आपका, वैसे आपकी स्पीड तेज हो जाती है, तो वो जब तेज स्पीड हो जाती है उसमें क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स सिंपली द बॉडी रोल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। आपकी बॉडी जो होती है रोल मतलब घूमने लग जाती है सरफेस पे। आपका बेस्ट एग्जांपल बताया मैंने आपको इजीली, कि ऐसे मान लीजिए झूले पे गए, आपने बैठ गया, आपने हल्के से खिसकाया, आप पर नहीं खिसक पाए इसके आगे, इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आप थोड़ा सा और फोर्स लगाया आपने आपको, तो आप थोड़ा धीरे धीरे हिल स्लाइड करने लगे, मतलब धीरे आप मूव करने लगे स्लोली स्लोली, इट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। और फिर आपने क्या करा, स्पीड पकड़ के फटाफट से नीचे पहुंच गए झूले के पास, इट इज कॉल्ड रोलिंग। रोलिंग माने घूमना, आपने बॉल देखी हुई इजिली घूमती है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन, आपका रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। दैट मीन्स आपका स्लाइडिंग, देखो आपकी कोई बॉडी मूव क्यों नहीं कर पाती है, इसलिए नहीं कर पाती, वहां फ्रिक्शन आपका ज्यादा होता है, ज्यादा फ्रिक्शन दैट मीन्स ज्यादा अपोज करेगी मोशंस की बॉडी को, सिंपल। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, आपकी बॉडी इजिली रोल हो जाती है, मतलब वहां फ्रिक्शन आपका इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वहां पे फ्रिक्शन बॉडी के मोशंस को अपोज नहीं करता, दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट, डायनेमिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल बात है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, तो एक्चुअल मूवमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो आपके बॉडी के मूवमेंट को अपोज करने में स्ट्रांगली होता है। लेकिन डायनेमिक में आपका लिटिल बिट फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, फ्रिक्शन की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है और वहां पे ऑब्जेक्ट स्लाइडली स्लोली स्लोली स्टार्ट करता है मूव करने, दैट इज व्हाई डायनेमिक फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब इन दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। वी सी दैट फर्स्ट अपोज द मोशन, फ्रिक्शन अपोज द मोशन, दैट इज व्हाई मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर सम टाइम एंड द स्टॉप रेस्ट मोशन ऑब्जेक्ट इज मूविंग आफ्टर सम टाइम आई अप्लाइंग अ फोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। सिंपली When the friction opposes the motion, little bit heat is produced. So let's see one example. जैसे आपने देखा होगा रबिंग ऑफ पाम, जैसे आप अपने पाम को रब करते हो तो उसके बीच में क्या होती है, हीट जनरेट होती है, आपके हाथ धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम हीटअप हो जाते हैं। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है टायर ऑफ व्हीकल्स, आपने देखा होगा आपकी जब बाइक्स होती हैं, कार होते हैं, उनके व्हीकल्स कुछ देर गर्म हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं गर्म, because of the friction, because friction produce heat. Now come to next cause, friction causes wear and tear. मतलब friction की वजह से किसी भी object का फट जाती है या फिर वो कमजोर हो जाती है। The best example of this is that the sole of the shoes wear out due to frictions. जितने में आपके shoes, school के shoes होते हैं वो क्यों फट जाते हैं,
कभी आपने सोचा क्यों फ्यूज फट जाते हैं? बिकॉज जस्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, एंड ड्यू टू द हीट जो आपका सोल होता है धीरे धीरे आपका क्या होता है, रिडक्शन में हो जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट हेडिंग, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब है नेक्स्ट थिंग दैट रिडक्शन मीन्स डिक्रीमेंट। अब फ्रिक्शन को कम कैसे करें? अगर आपका फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो हम लोग क्या कर पाएंगे इजिली, जैसे फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो कार आपकी बहुत तेजी से फास्ट भागेगी, कार आपकी जब तेजी से भागेगी तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन? इफ फ्रिक्शन इज मोर इन डेली लाइफ तो वी कैन नॉट वॉक इजिली ऑन सरफेस। दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी डिक्रीज द फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट इन दिस प्रोसेस वी बाय यूजिंग अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मीन्स होता है आपका ऑयल और ग्रीस। आप विद द हेल्प ऑफ लुब्री मतलब आप लोग देखा होगा आपकी चैन की चैन कर जाती है तो आप ऑयल और ग्रीस लगाते हैं ताकि आपका फ्रिक्शन क्या हो सके, कम हो सके। तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वो उस चैन को चलने नहीं देता क्योंकि वो उसके मोशन को अपोज करता है। नेक्स्ट है बाइक पॉलिशिंग। बाइक पॉलिशिंग बाय एनीथिंग, आपने देखा बहुत से पॉलिश प्रोडक्ट आते हैं आपके बाइक्स के लिए, टायर के लिए, चैन के लिए। आपने देखा कभी कभी चैन बैग की चैन नहीं खुलती तो हम लोग मोम घिस देते हैं, तो वही आपका है बाइक पॉलिशिंग। By changing a sliding friction to rolling friction, मतलब आप sliding friction को क्या करते हो, rolling friction में change करते हो। The best example is that if you want to slide a heavy box on ground, but you cannot easily put that box on the truck. आप ऐसे मान लीजिए आपको heavy box है, आपको उसको truck में डालना है, अब वो ट्रक में कैसे डालेगा, ट्रक में डालने की कैसे दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी इसके लिए। इसके बेस्ट है कि आप करते हो प्लैंक लगाता है, मतलब एक लकड़ी का गत्ता लगाता है और उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन में करता है, रोलिंग में पकड़ देता है। रोलिंग मतलब वो बॉडी स्लाइड विद द हेल्प ऑफ प्लैंक की वजह से वो बॉडी धीरे रोल हो जाती है। इससे क्या फ्रिक्शन कम हुआ दैट मीन्स उसने अपोज कम किया बॉडी को, हम इजिली बॉक्स को डाल सकते हैं। यूजिंग अ बॉल बैरिंग, यू कैन सी द बॉल बैरिंग विद द हेल्प ऑफ बॉल बैरिंग यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ डेली लाइफ। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब हाउ द फ्रिक्शन इज यूजफुल, वाई वी स्टडी फ्रिक्शन, बिकॉज ड्यू टू द गिवन रीजन। फर्स्ट इज दैट विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन इनेबल टू वॉक। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम इजिली अपने फ्लोर पर वॉक नहीं कर सकते। फ्रिक्शन हेल्प द व्हीकल टू मेड अ पॉसिबल टू मूव ऑन द रोड, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपके व्हीकल्स आपके रोड पे नहीं चल पाते क्योंकि वो अपोज नहीं कर पाते मोशन को तो आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा थे। नेक्स्ट फ्रिक्शन हेल्प द मूवमेंट बिटवीन द पेंसिल एंड पेपर। आपके जितने भी पेंसिल पेपर आप लिखते हो आप किसकी हेल्प से लिखते हो, फ्रिक्शन की हेल्प से। अगर आपका पेज चिकना ज्यादा होता है, आपने जब ब्लैक बोर्ड पे जब चौक चलाते हैं तो आपका सम टाइम आपकी चौक पसंद लग जाती है, लिखना नहीं पाते इजीली, तो क्यों नहीं लिख पाते हैं, फ्रिक्शन आपका बहुत ही कम हो जाता है। वुड कट इजीली, आपकी वुड इजीली कट जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी जो एक्स है या आपकी जो आरी है वुड पे अच्छे से पकड़ ही नहीं पाएगी। बर्निंग ऑफ मैचेस्टिक आल्सो हेल्प ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की हेल्प से ही आपकी मैचेस्टिक इजीली बर्न हो पाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल। व्हाई वी कॉल नेसेसरी एंड इवल बोथ द वर्ड वी आर यूज्ड इन फ्रिक्शन, व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द बोथ द नेसेसरी एंड इवल सेपरेटली। फर्स्ट वी डिस्क्राइब हाउ इट इज नेसेसरी, बिकॉज विद द हेल्प विदाउट एनी फ्रिक्शन वी कैन नॉट पॉसिबल टू मूव एन ऑब्जेक्ट या स्टॉप। एग्जाम्पल आपका वॉकिंग, आपका मतलब बिना आपके फ्रिक्शन की हेल्प से आप चल भी नहीं सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकती है, आपका पेपर्स पे पेंसिल पे ही लिख पाओगे। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन यू कैन ईजिली दीज थिंग्स आर पॉसिबल। एंड हाउ इट इज इवन बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉज लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्योंकि क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से आपकी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, इसके वजह से क्या होता है लॉस ऑफ वेस्ट होता है, बहुत सारी आपकी क्या होती है एनर्जी वेस्ट होती है। बट वो द थिंग्स आर यूजफुल इन डेली लाइफ, इसीलिए सेम टाइम पे दोनों ही चीज जरूरी है। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग द फ्रिक्शन नेसेसरी इविल। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक इज दैट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच आर अप्लाइड बिटवीन टू बॉडी विदाउट विच आर नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. मतलब वो फोर्स जहाँ पे दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं आती है फिर भी वहाँ वो फोर्स अप्लाइड होता है. बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट यू कैन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट यू कैन अट्रैक्ट द एनी मैग्नेटिक मटेरियल. दैट मीन्स वो फोर्स जहाँ पे आपकी मैग्नेट की हेल्प से किसी भी आयनेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है वो आपको ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल. लेकिन इन दिस एग्जाम्पल यू सी दैट मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल दोनों ही आपकी पास पास टच में नहीं होते हैं. दोनों क्या होते हैं अलग होते हैं दूसरे टचिंग नहीं होती विदाउट कमिंग क्लोज. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड द अर्थ ऑफ सेंटर. मतलब सिंपल ग्रेविटी मतलब आपका होता है गुरुत्वाकर्षण. मतलब अर्थ के द्वारा अपने सेंटर की तरफ बॉडी को खींचने की ताकत हमारे अर्थ के पास है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने कभी गौर किया है जो पेड़ के एप्पल होता है उसे नीचे क्यों गिरता है ऊपर क्यों नहीं गिरता. आप कभी कोई पैबल सब पत्थर ऊपर फेंकने के बाद कुछ देर तो नीचे क्यों आ जाता है. क्योंकि ना आपकी जो अर्थ है अर्थ के पास एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसकी हेल्प से हर एक बॉडी को हर एक पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. देखिए आपकी आपकी अर्थ ना उसे आपने पत्थर उछाला ऊपर आपका अर्थ और पत्थर उछाला ऊपर ऊपर तो आपकी बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं थी जिससे आपको कम क्लोजर नहीं थी. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपने देखा होगा आप अपने बाल को कॉम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम. तो आपने कॉम किया बालों को और उसी कॉम बाल कॉम की हेल्प से आप पेपर के लिटिल बिट पेपर फॉर टेयर कीजिए और उसको टच कीजिए. यू कैन सी द एग्जांपल आप देखा होगा ये क्या होगा धीरे धीरे आपके क्या हो जाएंगे वो जो पेपर है सब आपके कॉम पे अट्रैक्ट हो जाएंगे. ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है जो आपके चार्ज प्रोड्यूस होते हैं कॉम पे बाय हेल्पिंग ऑफ कॉमिंग विच इज प्रोड्यूस इन दैट चार्ज विच अट्रैक्ट द पेपर ऑफ बिट्स ऑफ पेपर. दैट्स वाई इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर नाउ वी कंसिडर अबाउट सम एक्सरसाइज विद मतलब वी डू द एक्सरसाइज बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच थिंग यू लर्न इट. फर्स्ट इज MCQ. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है आपका है कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है आपका मस्कुलर बिकॉज मसल्स की हेल्प से आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है. कम टू अ नेक्स्ट MCQ. विच ऑफ द वो देम इज नेसेसरी इवल कौन सी अभी आपने पढ़ा फ्रिक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मतलब बताना है आप में से कौन सा इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो आपका सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे ए फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ डायरेक्शन इट इज रॉन्ग बिकॉज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ डायरेक्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट व्हेन प्लेयर कैच द बॉल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन टू एक्शंस. मतलब जब प्लेयर बॉल को पकड़ता है कौन सा फोर्स नहीं होता है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है तभी तो आपकी बॉल नीचे से ऊपर आई. कॉन्टेक्ट भी है क्योंकि बॉल और उसका हैंड दोनों कॉन्टेक्ट में आया. मस्कुलर फोर्स भी है बिकॉज उसने मसल्स की हेल्प से बॉल को कैच पाया. इस कंसर नन ऑफ दीज विच ऑफ दीज इज नॉट कॉज्ड बाय फ्रिक्शन. कौन सी चीज फ्रिक्शन के द्वारा नहीं हो पाती है. वियर टियर तो होता है अपोज करता है मोशन को. हीट भी प्रोड्यूस करता है. फॉलिंग ऑफ लीव फ्रॉम ट्री मतलब पत्तियों का पेड़ से पत्तियों के गिरना इट नॉट अ फ्रिक्शनल विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ कम टू अ फिलअप टू स्ट्रेच अ बो आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स शेप. मतलब आपने देखा होगा तीर जो चलाते हैं आर्चरी होते हैं वो तीर को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है. द फोर्स अप्लाइड बाई आर्चर टू स्ट्रेच अ बो एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स. द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन इट्स मोशन ऑफ एरो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. वाइल अ एरो मूविंग टूवर्ड इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू अ फ्रिक्शन ऑफ इज एयर. कम टू नेक्स्ट द अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. वेरी गुड. नेक्स्ट द कार ने शोरूम इज द स्टेट ऑफ रेस्ट. आपका मोशन और रेस्ट क्या होता है सिंपली बताऊँ. मोशन होता है आपका कोई बॉडी मूविंग होना मतलब विद द टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करना.
ठीक है। रेस्ट का मतलब होता है अगर आप कोई बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है वो रेस्ट में ही कहलाएगी। नाउ कम टू आपके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, फोर्स अराइजिंग थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी, ट्रू। फोर्स कैन नॉट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग कॉन्टेक्ट ऑन इट, मतलब ये बोला है कि क्या आपका फोर्स जब भी बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी क्या वो फोर्स पॉसिबल नहीं है, इट इज अ फॉल्स। फिजिकल बैलेंस, ए फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर अ फोर्स, यस। ए वुडन ब्लॉक स्लाइड मोर इजिली ऑन स्मूथ सीमेंटेड फ्लोर देन अ रोलर, ट्रू। ए फोर्स दैट एक्ट एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंज इट्स शेप, इट्स फॉल्स, बिकॉज फोर्स चेंज द शेप। फोर्स, द कॉन्टेक्ट फोर्स कैन एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, इट्स अ रॉन्ग। ए फोर्स कैन नॉट एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब वो आपके डिस्टेंस के थ्रू एक्ट नहीं करेगा। While sitting in a car, you are in continuous motion with regard of driver. False, because you are in a motion of rest. Muscular missiles are streamlined shaped to increase the force of friction. False. अगर force friction ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी missile का movement हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए उसको streamline बनाता है ताकि friction कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो अपोज कम करेगा वो मिसाइल की मोशन को, जितना कम करेगा उतनी स्पीड से वो आपकी मिसाइल इजिली पास हो सकेगी। पिक आउट द ऑड वन आउट, पुश पुल पावर हाउस स्क्वीज, सिंपल है, पावर हाउस इज अ ऑड वन आउट। मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड रेस्ट ऑफ इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। बिकॉज मस्कुलर फोर्स आर कॉन्टेक्ट फोर्स एंड रेस्ट आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नाउ कम टू नेक्स्ट मैचिंग। इन मैचिंग यू हैव टू डू दिस। ओपन अ डोर इज अ एग्जाम्पल ऑफ पुश, क्लोजिंग अ डोर एग्जाम्पल ऑफ opening a door is example of pull, closing a door example of push. Writing with a pencil is example of friction, an apple falling on a ground example of gravitation, attracting a paper bit towards its comb example of electrostatic friction. I hope this video is very helpful in your study and continue your study at home.